हे गाइस, वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस। स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का आपको क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान किस शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान किस शहर में स्थित है, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलार की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है। क्या क्वेश्चन है आपका, कोलार की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सोना के लिए। ठीक है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। अब आप लोगों को बताइएगा कि कोलार की खान कहाँ पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर किस शहर में स्थित है। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर किस शहर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका श्रवण बेलगोला में। ठीक है, श्रवण बेलगोला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलकूद में थर्ड आई का संबंध किस खेल से है। खेलकूद में थर्ड आई का संबंध किस खेल से है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट से। ठीक है, थर्ड आई का संबंध है क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयलकारो विद्युत परियोजना किस शहर राज्य में स्थित है। ठीक है, कोयलकारो विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम क्यूरी ने किस धातु की खोज की। मैडम क्यूरी ने किस धातु की खोज की, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स रेडियम धातु की। ठीक है, रेडियम धातु की खोज की मैडम क्यूरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग होता। यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता, तो इसका करेक्ट आंसर है काला। ठीक है, काला होता, काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। अब आप लोग बताइए कि हैदराबाद की राजधानी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, हैदराबाद की राजधानी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 1866 ईस्वी में। ठीक है, 1866 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समूह सात की स्थापना कब हुई थी, जिसे हम बोलते हैं जनरेशन सेवन। ठीक है, क्या बोलते हैं, जनरेशन सेवन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 1985 ईस्वी में। ठीक है, 1985 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया रुपया। ठीक है, इंडोनेशिया रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। क्या क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आभासी। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर में पारे का तल, इसमें लिखा है पारे का तल एकाएक गिरना किस को प्रदर्शित करता है। तो बैरोमीटर में पारे का तल एकदम से गिरना किसको प्रदर्शित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है तूफान को। ठीक है, तूफान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान नागरिक सुकरात किस देश के थे। महान नागरिक सुकरात किस देश के थे, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यूनान के। ठीक है, यूनान के। अब आप लोग बताइएगा यूनान की कैपिटल क्या है। ठीक है, यूनान की कैपिटल क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार जो सेन थे वो भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जी जो है वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
और आप लोग ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये सभी लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका करेंट आंसर है राइटर। ठीक है, राइटर, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम राइटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लाल ग्रह। ठीक है, लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किस नंबर से प्रदर्शित की जाती है? पेट्रोलियम की गुणवत्ता किस नंबर से प्रदर्शित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्टेन नंबर से। ठीक है, ऑक्टेन नंबर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गधा और घोड़ी का संकर है, गधा और घोड़ी का संकर है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका खच्चर। ठीक है, खच्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड में उपचारित होता है, बात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड में उपचारित होता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, तो इसका करेक्ट आंसर है शुक्र। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आत्महत्या की थैली। ठीक है, आत्महत्या की थैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फ्रेंड्स, मैंने जो संसद थी उनके बारे में बताया है, ट्रिक की वीडियो डाली है इस चैनल पे, आप प्ले लिस्ट में जाइए और उसको चेक करिए जाके, आपको सभी संसद का संसद जो है ट्रिक से याद हो जाएगा। तो डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो इसका है फॉलकेटिंग। ठीक है, फॉलकेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं कौन है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोहो इस्पात। ठीक है, लोहो इस्पात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माल प्रवाह परियोजना किस राज्य में स्थित है? माल प्रवाह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ब्यास नदी पर। ठीक है, ब्यास नदी पर हुआ है पोंग बांध का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम है? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है मनु। ठीक है, मनु, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस सन में पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस सन में पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1192 में। ठीक है, 1192 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रीटले, जोसेफ प्रीटले ने। ठीक है, जोसेफ प्रीटले ने, प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरो गुरु के रूप में नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे? यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन आपका सुमंत घोषाल। ठीक है, यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सुमंत घोषाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका हडसन नदी के किनारे। ठीक है, हडसन नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन का वास्तुकार था, भारत भवन का वास्तुकार कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चार्ल्स कोरिया। ठीक है, चार्ल्स कोरिया भारत भवन का वास्तुकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं, डेनमार्क आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है स्कैंडिनेवियाई देश। ठीक है, स्कैंडिनेविया देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, समुद्र मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर है 98 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश होता है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस सन में किए गए, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस सन में किए गए, जिसका करेक्ट आंसर है 1972 में। ठीक है, 1972 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। यदि आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी प्रकार रोज़ आपको वीडियो मिलेगी इस चैनल से और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए, उसी टॉपिक पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।